अरे मित्र, आखिर कब तक हम ऐसे ही गधों की तरह काम करते रहेंगे? क्या हमारे जीवन में कभी सुख नहीं लिखा है? अरे मित्र, ईश्वर की कृपा से हमें रोज भरपेट खाना तो मिल ही जाता है, और हमें क्या चाहिए? अरे मित्र, मैं सोच रहा था कि जैसे कहानियों में होता है कि गरीब को बहुत सारा खजाना मिल जाता है, काश ईश्वर हमें भी वैसे ही ढेर सारा धन दे दे तो हमारी भी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। मित्र, वो सब तो कहानियों में ही अच्छा लगता है। अरे मित्र, ये यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है? मुझे लगता है या तो कोई किताब है। मित्र, यह किताब तो किसी मार्ग को दर्शाती है। हाँ मित्र, यह तो किसी खजाने तक पहुंचने का रास्ता है। हाँ मित्र, सच में यह तो किसी खजाने तक पहुंचने का रास्ता है। तो फिर चलो मित्र, जल्दी से इस खजाने को ढूंढते हैं। फिर वह दोनों मित्र खजाने की तलाश में घूमने लगते हैं। वे दोनों चलते चलते उसी गुफा के पास पहुंच जाते हैं जो किताब में दिखाई गई थी। मित्र, मुझे लगता है यह वही गुफा है जिसमें खजाना छिपा हुआ है। हाँ मित्र, तो इसमें देर किस बात की है? चलो अंदर चलते हैं। अरे मित्र, यह गुफा तो कितनी डरावनी लग रही है। हाँ मित्र, गुफा तो डरावनी है, लेकिन सोचो, यदि हमें खजाना मिल गया तो हमें किसी की मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। उन्हें गुफा में घूमते घूमते काफी समय हो जाता है, लेकिन खजाना कहीं नहीं मिलता। मित्र उधर देखो, वहां पर किसी चीज का प्रकाश मालूम पड़ता है। चलो चलकर देखते हैं। मित्र, यह तो एक दीपक का प्रकाश है, लेकिन मित्र, इस दीपक को यहाँ पर किसने रखा है? जबकि यहाँ पर हम दोनों के अलावा तीसरा तो कोई नहीं दिख रहा है। चलो मित्र, जल्दी से हम इस दीपक को हटाकर इस पत्थर के पीछे देखते हैं, कहीं खजाना इसी पत्थर के पीछे तो नहीं छिपा है। फिर वह दोनों मित्र उस पत्थर को हटाते हैं। अरे मित्र, यहाँ तो एक और दरवाजा है। चलो इसके अंदर चलकर देखते हैं, जरूर वह खजाना इसी दरवाजे में होगा। मित्र, यहाँ पर तो बहुत अंधेरा है, कुछ भी सही ढंग से नजर नहीं आ रहा है। अरे भाई, तुम ऐसा करो, वह दीपक उठाकर ले आओ, हम उस दीपक की सहायता से खजाने को ढूंढ सकते हैं। अरे वाह वाह, खजाना तो मिल गया। चलो मित्र, जल्दी से हम इस खजाने को उठाकर ले चलते हैं। दूसरा मित्र तो बहुत ही लालची था, इतना सारा धन एक साथ देखकर उसके मन में लालच आ जाता है। हाँ मित्र, लेकिन इतना सारा खजाना हम कैसे लेकर जाएंगे? तुम जल्दी से जाओ और एक बैलगाड़ी लेकर आओ, हम उसी में ये सारा धन रख कर यहाँ से उठा ले चलेंगे। हाँ मित्र, तुम ठीक कहते हो, मैं अभी जाता हूँ और तुरंत बैलगाड़ी लेकर आता हूँ। छेदी लाल तुरंत ही वहां से बैलगाड़ी लेने के लिए चला जाता है। जाओ जाओ बच्चू,
यह सारा खजाना सिर्फ और सिर्फ मेरा है। भला मैं इस खजाने के दो हिस्से क्यों करूं? चलो यह सारा खजाना एक गट्ठर में बांध कर मैं यहाँ से 9-2-11 हो जाता हूँ। इतना सोचकर वह जल्दी से खजाने को एक गट्ठर में बांध लेता है और वहाँ से चल पड़ता है। अरे ये क्या, ये दरवाजा तो बंद हो चुका है, अब मैं बाहर कैसे जाऊंगा? हे भगवान, ये क्या हो गया, अब मैं इस गुफा से बाहर कैसे जाऊंगा? गुफा का दरवाजा बंद होने की वजह से चंपक लाल उसी गुफा में फंस जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। ए भगवान, यह खजाना तो मेरे किसी काम का नहीं रहा। भगवान मुझे बस एक बार इस गुफा से बाहर निकाल दीजिए, मुझे यह खजाना नहीं चाहिए। उधर छेदी लाल जल्दी से बैलगाड़ी लेकर गुफा की ओर बढ़ रहा था। अरे वह गुफा कहाँ गई? गुफा तो यहीं पर थी, लेकिन अचानक से वह गुफा गायब कैसे हो गई? हे ऊपर वाले, मेरा मित्र कहाँ चला गया? वह गुफा यहाँ से गायब कैसे हो गई? छेदीलाल इधर उधर उस गुफा को ढूंढने लगता है। तब तक सुबह हो जाती है। हे भगवान, कहाँ गया मेरा मित्र? एक वही तो था मेरा इस दुनिया में, जो मेरे सुख दुख पूछता था, और आपने उसे भी छीन लिया। अब मैं क्या करूँ, अपने मित्र को कहाँ ढूंढूं? अरे यह तो अपने धोखेबाज मित्र के लिए इतना परेशान हो रहा है। तभी उस परी ने एक बुढ़िया का वेश धारण किया और लकड़ियों का गट्ठर सिर पर लेकर उसके पास से गुजरती है। जैसे ही छेदीलाल के पास वह बुढ़िया पहुंचती है तो जानबूझकर लकड़ियों का गट्ठर लेकर गिर पड़ती है। माता जी, आप इतनी उम्र में भी लकड़ियां लेने खुद आती हो? क्या करूं पुत्र, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो इसीलिए सारा कार्य मुझे ही करना पड़ता है। माता जी आप चिंता ना करिए, आज से मैं रोज आपके लिए लकड़ियां ला दिया करूंगा, अब आपको लकड़ियां लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना कहकर छेदीलाल लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर रखता है और उस बूढ़ी महिला के साथ चल देता है। ये लीजिए माता जी, आपकी लकड़ियां मैंने पहुंचा दी हैं। अब मैं चलता हूँ माता। लेकिन पुत्र, तुमने अपना परिचय तो दिया ही नहीं, तुम कौन हो और अकेले तुम उस सुनसान जंगल में क्या कर रहे थे? माता जी मेरा नाम छेदीलाल है और मैं उस जंगल में अपने मित्र चंपक लाल को ढूंढ रहा था। फिर छेदीलाल ने उस बूढ़ी महिला को अपनी पूरी कहानी सुनाई। छेदीलाल की इस सच्चाई और ईमानदारी को देखकर वह बूढ़ी महिला बहुत ही खुश होती है और अपने वास्तविक रूप में आ जाती है। पुत्र, मैं तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी को देखकर बहुत खुश हुई। जितनी सच्चाई और ईमानदारी तुम्हारे अंदर है, उतना ही दुष्ट और कपटी तुम्हारा मित्र है। वह तुम्हें धोखा देकर सारा धन खुद हड़पना चाहता था, इसीलिए उसका यह हाल हुआ है। हे परी देवी, वह जैसा भी था तो मेरा मित्र ही। वह हमेशा मेरे सुख और दुख में मेरे साथ ही रहता था। आज वह दुख में है तो मैं उसके साथ नहीं। यदि वो सारा खजाना खुद ही रखना चाहता है तो मैं खुशी खुशी उसे सारा खजाना दे दूंगा। बस परी देवी, मुझे मेरे मित्र के पास पहुंचा दीजिए। ठीक है पुत्र, मैं तुम्हें तुम्हारे मित्र तक जाने का रास्ता बता देती हूँ। इसी जंगल में एक कालिक वृक्ष है, उसी वृक्ष में एक गुप्त दरवाजा है, उसी दरवाजे से तुम्हारे मित्र तक पहुँचने का रास्ता है।
फिर परी उसे एक चमकीला पत्थर देती है। पुत्र, इस पत्थर को लेकर जब तुम उस वृक्ष के पास पहुँचोगे तो यह पत्थर जोर जोर से चमकने लगेगा, और जब इस पत्थर को तुम उस वृक्ष के तने पर स्पर्श कराओगे तो वह गुप्त दरवाजा खुल जाएगा। परी से पत्थर लेकर छेदीलाल वहाँ से निकल पड़ता है। हे ऊपर वाले, कहाँ है वह कालिक वृक्ष? यहाँ तो सारे वृक्ष मुझे एक समान ही दिखाई पड़ रहे हैं। अरे ये क्या, ये पत्थर तो जोर जोर से चमक रहा है, इसका मतलब यही कालिक वृक्ष है। चलो जल्दी से मैं इसके गुप्त दरवाजे को खोलता हूँ। तुम कहाँ हो मित्र? देखो मैं तुम्हें लेने के लिए आ गया हूँ। हे ऊपर वाले, आज 3 दिन हो गया है मुझे इस गुफा में फंसे हुए, लेकिन मैं इस गुफा से बाहर नहीं निकल पाया हूँ। क्या मैं इसी गुफा में ही मर जाऊंगा? अरे यह आवाज तो मेरे मित्र की लग रही है। हाँ हाँ, यह मेरा मित्र ही है। मित्र, मैं यहाँ हूँ। अपने मित्र को सामने देखकर चंपकलाल बहुत ही भावुक हो जाता है और उसके गले से लिपट जाता है। चलो मित्र, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, मेरे साथ चलो। नहीं मित्र, तुम मुझे मेरे हाल पर ही छोड़ दो और मुझे इस गुफा में ही मर जाने दो। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया था मित्र, फिर भी तुम मुझे बचाने के लिए आ गए हो। नहीं मित्र, ऐसी बात नहीं है। यदि तुम यह सारा खजाना खुद ही रखना चाहते हो तो रख लो, मुझे यह खजाना नहीं चाहिए। मुझे तो तुम्हारी सच्ची मित्रता चाहिए, क्योंकि तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है मित्र। नहीं नहीं मित्र, मुझे भी यह खजाना नहीं चाहिए। मैं इस खजाने को पाकर अंधा हो गया था, जो तुम जैसे मित्र को भुला बैठा था। मुझे बस तुम्हारी मित्रता चाहिए और कुछ नहीं। इतना कहकर दोनों मित्र गुफा से बाहर निकल जाते हैं।